जोन तो आज क्लास आम देखा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ठीक अच्छे। तो केमिकल बॉन्डिंग कौन केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड कौन फास्ट देखा द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज एटम आयन टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज इज नोन एज केमिकल बॉन्ड ठीक अच्छे। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड जनरली फास्ट टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ठीक है गोटे हूँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ गोटे हूँ वीक बॉन्ड ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को पुणी आम चार भाग में विभक्त करते गोटे आयनिक बॉन्ड गोटे कोवेलेंट बॉन्ड गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड गोटे मेटालिक बॉन्ड वीक बॉन्ड को आम दुई भाग में विभक्त करते गोटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गोटे वैन डर वाल्स इंटरेक्शन ठीक अच्छे। तुम सिलेबस वैन डर वाल्स इंटरेक्शन ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना ठीक अच्छे आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे। तो आम ये चार्टा बॉन्ड को देखा फर्स्ट थिंग है आयोनिक बॉन्ड द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम्स एज ए रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। तो ये कौन कहला देखने धरनीय NaCl ठीक अच्छे आम जानते कौन सोडियमटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्लोरीनटा इलेक्ट्रो नेगेटिव ये कौन है Na+Cl- ठीक अच्छे कंप्लीट ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉनटा। तो NaCl गोटे आयनिक कंपाउंड ठीक अच्छे तेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत अधिक आसुवा दरकार। तो फेवरेबल कंडीशन कौन तप देखा लेस आयोनाइजेसन एनर्जी ऑफ आटम फॉर्मिंग काटा देख आम जानचे गोटे न्यूट्रल आटम माने Na रु Na+ फॉर्म करने आमको जी एनर्जी दबापाई पड़े ताको आम आयोनाइजेसन एनर्जी कहे जदि आम जिते कम एनर्जी देखिए फर्मेसन करते फेवरेबल कंडीशन हम तेनाली लेस आयोनाइजेसन एनर्जी ठीक अच्छे ए बुझिपाल गोटे ए तो काटायन हो गला गोटे न्यूट्रल आटम रु आनायन फर्म करने जी एनर्जी रिलीज हुए आम कौन कह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते तो ए एनर्जी जिते अधिका रिलीज हम से जल्दी मानने न्यूट्रल आटम रु आनायन फर्म हो तेना हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक अच्छे। तापर देखा ग्रेटर लाटिस फॉर्म ग्रेटर लाटिस एनर्जी ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट ठीक अच्छे जैसे एनर्जी रिलीज हुए लाटिस फॉर्म है जिते अधिक एनर्जी रिलीज हो लाटिसटा से जल्दी फॉर्म हो पारे। तापर ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन आटम्स फॉर्मिंग कैटायन एंड एनायन ठीक अच्छे। तो ये चार्टा कंडीशन मन रख तो आम गोटे काटायन फर्म करवाई जितकी एनर्जी आमको देवाई पड़े आयोनाइजेसन एनर्जी कहे तेनाली मैंने कम एनर्जी फर्मेसन होते जल्दी आम आयोनिक बॉन्ड फर्म कर पारे ना ठीक अच्छे। तापर कोवेलेंट बॉन्ड ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग शेयर्ड बिटवीन टू आइटम्स द बॉन्ड आर थ्री टाइप जेना सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कहला आयनिक बॉन्ड जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम भितर फॉर्म हुए से कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन एटी कौन है शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग हम इलेक्ट्रॉन मान लिया गोटे बॉन्ड जे कितना इलेक्ट्रॉन दरकार दुईटा इलेक्ट्रॉन दरकार। तो धन्य हाइड्रोजन आम H2 फॉर्म करवा ठीक अच्छे H2 फॉर्म कर तो गोटे हाइड्रोजन देला गोटे इलेक्ट्रॉन आ गोटे हाइड्रोजन देला गोटे इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग रे तांकर बॉन्ड फॉर्मेशन होला ठीक अच्छे। तापर देखिया पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कौन देख कहीं भी कौन सी भी बॉन्ड मान कोवेलेंट बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट हो नए से किसी ना कि आयनिक कैरेक्टर थाए ठीक अच्छे। तो जदि दुटा सिमिलर आटम भितर ने आम जेनेली नॉन पोलर कहू ठीक अच्छे कारण दीज तो सिमिलर तक इलेक्ट्रॉनटा मझे रान लो हाइड्रोजन आउ क्लोरीन भितर आम आटमटा फर्म करवा हाइड्रोजन आ फ्लोरीन भितर आम बॉन्डटा फर्म करवा ठीक अच्छे। आम जानते कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन हाइड्रोजन ठीक अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन हाइड्रोजन तेनाली शेयरिंग इलेक्ट्रॉनटा मझीरे न रही हाइड्रोजन क्लोरीन तो एज बेले कौन था जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉनटा पूरा मिडिले रोला कितु मान मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउडटा जो ये गोटे इलेक्ट्रॉन दे ठीक अच्छे। कितु हाइड्रोजन क्लोरीन बेले कौन हम जो इलेक्ट्रॉन क्लाउडटा क्लोरीन पाखक चल जाए कारण से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन द टेंडेंसी टू से अट्राक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इट ठीक अच्छे से ताड़ को नहीं जीव
ତେଣୁ କି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୋଲାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ୟାକୁ ଆମେ କୁହେ ପୋଲାର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୋଲାର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ପୋଲାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସିମିଲାରଲି ଯେମିତି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ପୋଲାର ମତଲବ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ଆୟନିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଯାଉଛି, ସେମିତି ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ରହିଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି କି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି ଫାଜାନ୍ସ ରୁଲ୍। ଫାଜାନ୍ସ ରୁଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ, ହ୍ୱେନ୍ ଅପୋଜିଟଲି ଚାର୍ଜ ଆୟନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍, ଦ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ କାଟାୟନ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଆନାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଦ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦେୟାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍ ଡିଫର୍ମେସନ୍ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆନାୟନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଆଟମ୍ ମାନ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ କାଟାୟନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ସି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଆନାୟନ୍ ଏହାର କାଟାୟନ୍ ତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ପରସ୍ପରକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ନା, ଏହାର ବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପରସ୍ପରକୁ ରିପଲ୍ସନ୍ କରିବ, ଏ ରିପଲ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଆନାୟନ୍ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଉଛି, ମାନ୍ୟ ଆନାୟନ୍ଟା ଏମିତି ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଥିଲା, ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ରିପଲ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏ ଆନାୟନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ଼୍ ମାନେ ଏଧରେ ପୁରା ସ୍ପେରିକାଲ୍ ଥିଲା, ଏ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଏମିତି ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନାୟନ୍ ବି କହୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚାର୍ଜ କ୍ଲାଉଡ୍ ଅଫ୍ ଆନାୟନ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର୍ ରିମେନ୍ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ବଟ୍ ଗେଟ୍ସ ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ଼୍, ସେଇଟା କହିଲି ନା, ଯେଉଁ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ରହିବନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ କ୍ଲାଉଡ଼୍ଟା, ଯେଉଁ ଆନାୟନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ କ୍ଲାଉଡ଼୍ଟା ଏମିତି ସ୍ପେରିକାଲ୍ ଥିଲା, ସିଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ କହିବା ବା ପୋଲାରାଇଜ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ କାଟାୟନ୍ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଆୟନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ହାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଚାର୍ଜ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍, ଦିସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ବଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏନ୍ ଆୟୋନିକ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ, ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବଣ୍ଡକୁ ଆମେ କହିବା ପୋଲାର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ, ବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଆୟୋନିକ୍ ବଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଥିଲା, ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆୟନିକ୍ ବଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଟାୟନ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆନାୟନ୍ ଦରକାର, କାଟାୟନ୍ ଆନାୟନ୍ ତ ପରସ୍ପରକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ରିପଲ୍ସନ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଜେନେରାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତ ଯେଉଁ କାଟାୟନ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ସେ ଆନାୟନ୍କୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଆନାୟନ୍ର ଚାର୍ଜ କ୍ଲାଉଡ଼୍ଟା ସ୍ପେରିକାଲ୍ ଥିଲା, ସେ ଆଉ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ହୋଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ କହୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତା ଭିତରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ସେକୁ ଆମେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଯେତେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍ ଯେତେ ଆନାୟନ୍ର ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍ ଯେତେ ଅଧିକା ହେବ, କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେତେ ଅଧିକା ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନ୍ ଆୟନିକ୍ ବଣ୍ଡ। ତାକୁ ଫାଜାନ୍ସ କିଛି ରୁଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଜାନ୍ସ ରୁଲ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେ ମାନେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ କେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେବ, ଯେତେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଅଧିକା ହେବ ସେତେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଧିକା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ, ଦ କାଟାୟନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ମଲାର୍ ସାଇଜ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ହାୟର୍ ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର, ଇଏ କାହିଁକି ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ, ଯଦି କାଟାୟନ୍ର ସାଇଜ୍ଟା ଛୋଟ ହେବ, ତ ଏଇଟା ଧନ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ କାଟାୟନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଇଏ ଆନାୟନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ସାଇଜ୍ଟା ଯେତେ ଛୋଟ ହେବ, ଇଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଇଏ ଆନାୟନ୍କୁ ସେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବ ନା ତା ଆଡ଼କୁ, ତ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ ନା, ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍, କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାଟାୟନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ମଲାର୍ ସାଇଜ୍, ତାପରେ ଆନାୟନ୍ ୱିଥ୍ ଲାର୍ଜର୍ ସାଇଜ୍, ସିମିଲାର୍ ଆନାୟନ୍ର ଲାର୍ଜର୍ ସାଇଜ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉଟର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଜଲ୍ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍କୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିପାରିବ, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ କ୍ଲାଉଡ଼୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ଼୍ କରିପାରିବ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ, ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ ମାନେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, କାଟାୟନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ମଲାର୍ ସାଇଜ୍, ଆନାୟନ୍ ୱିଥ୍ ଲାର୍ଜର୍ ସାଇଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଫର୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଦେୟାର୍ ଶୁଡ୍ ବି ହାଇ ଚାର୍ଜ ଅନ୍ ଦ କାଟାୟନ୍ ଅର୍ ଦ ଆନାୟନ୍ ଅର୍ ବୋଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାର୍ଜ ଯେତେ ଅଧିକା ହେବ, ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ସେତେ ଅଧିକା ହେବ, ମାନେ କାଟାୟନ୍ ହେଉ କି ଆନାୟନ୍ ହେଉ, କାରଣ ଦେଖ କାଟାୟନ୍ର ଚାର୍ଜ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ତ ତା'ର ସାଇଜ୍ ସେତେ କମି କମି ଆସେ ନା, ହେଲା ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ। ତାପରେ ଆନାୟନ୍ର ସାଇଜ୍ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ ତା ସାଇଜ୍ ସେତେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଇଏ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିଯାଉଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କାଟାୟନ୍ ୱିଥ୍ ସିଡୁ ଇନର୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍, ମାନେ ଏନ୍ ଏସ୍ ଟୁ ପି ସିକ୍ସ ଡି ଡି ଟେନ୍, ଅର୍ ୱିଥ୍ ଇନର୍ଟ ପେୟାର୍ କନଫିଗୁରେସନ୍
हैव हायर पोलराइजिंग पावर व्हाइल कैटायन विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक अच्छे सीडु इलेक्ट्रोनिक सीडु इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मान कौन आउटर मोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन थी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन नोबल गैस आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन थी तो 18 इलेक्ट्रॉन जहाँ थी आउटर मोस्ट तार पोलराइजिंग पावर अधिका दिस इज ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द फॉर्मर केस एंड स्मॉलर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द लेटर केस। ठीक अच्छे फर्स्ट केस ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रोचे कारण अधिका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट रोचे बुझिपाल। ठीक अच्छे तापर जीवा कन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन कहला द फेनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। फॉर एग्जांपल व्हेन 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन हबा पई द नियरली सेम बा सेम एनर्जी रो ऑर्बिटल हेथिबा दरकार। ठीक अछि ना 2s 2p। ठीक है एन प्लस एन रूल लेके जानी जो जानी ना यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िया यार जब एन प्लस एन रूल कह यार जनरली एनर्जी टू धरूचे। ठीक अच्छे कारण एस पाई एल जीरो। ठीक अच्छे पी पाई एल वन तो ये थ्री तो नियरली सेम हो। ठीक अच्छे एमती हम 2s आउ आम नहीं मिसेदेबा 4p ये पसिबल हम कारण 2s यार एन रैल्यू 2 हूँ तो एन प्लस एन रैल्यू 2 होउछि इयार एन प्लस एल वैल्यू 5 होउछि। ठीक अछि ये पॉसिबल नियरली सेम हेतिबा दरकार बस स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सेम बट नियरली सेम हेतिबा दरकार। ठीक अछि ये साइलेंट फीचर किछि दरकार नै हमर जनरली दरकार कोन जे दुटा अछि हाइब्रिडाइजेशन आउ मॉलिक्यूल बीएससी पी एक्चुअली मिसे कि क्वेश्चन आसो माने हाइब्रिडाइजेशन आमर कौन गोटे मॉलिक्यूल देखो से आम हाइब्रिडाइजेशन केमी बाहर करें से मॉलिक्यूल शेप केमी बाहर करें ज्योमेट्री केमी बाहर करें एगुड़ा आमर दरकार एगुड़ा एत किसी आम दरकार ना। ठीक अच्छे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख लेते टाइप हाइब्रिडाइजेशन गोटेगा एसपी एसपी टू एसपी थ्री एसपी थ्री डी एसपी थ्री डी टू एसपी थ्री डी थ्री। ठीक अच्छे हाइब्रिडाइजेशन बाहर करने फॉर्मूला कौन मन रखिए देख टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन फॉलोइंग फॉर्मूला में भी यूज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बट अराउंड दैट आटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड दैट आटम इक्वल्स टू हाफ। तो यही फर्मूलाटा आम दरकार हाइब्रिडाइजेशन बाहर करें फर्मूला कौन हाफ भि फर भि है भैलेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक अच्छे करदे भि है भैलेन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आटम। ठीक अच्छे एम कौन मोनोवैलेंसी आटम जनरली मोनोवैलेंसी आटम रे कोनटा कोनटा आछ हाइड्रोजन आ हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ए पांचटा ही मोनोवैलेंसी रे आछ कारण एमनको वैलेंसी सब सब गुडा वैलेंसी 1। ठीक अछि तबरे कैटायन माइनस सी न कैटायन जते चार्ज थियो कैटायन जते चार्ज थियो ताको माइनस करियो एनायन रे जते चार्ज थियो ताको प्लस करियो। ठीक अछि आगो को हम एग्जांपल करियो तले क्लियर बुझी परियो से भाया तेणु यार भैल्यूटा जो फर्मूलार भैल्यूटा मैंने टू आसिले एसपी टू सरी एसपी थ्री आसिले एसपी टू। ठीक अच्छे फोर आसिले एसपी थ्री फाइव आसिले एसपी थ्री डी सिक्स आसिले एसपी थ्री डी टू सेवेन आसिले एसपी थ्री डी थ्री। ठीक अच्छे एवं किसी इंपोर्टेंट पॉइंट एगोटे मन रखे तुम डायरेक्ट क्वेश्चन यही आसी जा डी ऑर्बिटल यूजुअली एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन बेले डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल यूजुअल। ठीक अच्छे एसपी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन बेले डी जेड स्क्वायर आउ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूजुअल। ठीक अच्छे एसपी थ्री डी थ्री बेले एसपी थ्री डी थ्री बेले कौन हो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ठीक अच्छे तापर कौन मोर इज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड मोर इज द बॉन्ड एंगल एंड शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। ठीक अच्छे एस कैरेक्टर जिते अधिक हे बॉन्ड स्ट्रेंथ सेते अधिक हे बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक हे मैंने बॉन्ड लेंथ कौन हम डिक्रीज कर बॉन्ड एंगल इनक्रीज कर तापर एच पी कैरेक्टर इनक्रीज द साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इनक्रीजेस सो इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज एटा देख जदि एसपी एसपी टू एसपी थ्री नवा जिते पी कैरेक्टर अधिक हम से साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अधिक हे तेनाली एसपी लेस देन एसपी टू लेस देन एसपी थ्री। ठीक अच्छे तापर आम देखा भिएससी पीआर थ्योरी देख भिएससी पीआर थ्योरी किसी भी थ्योरी से किसी भी थ्योरी दबा पूर्व साइंटिस्ट मैंने किसी
पॉइंट को एज्यूम करके थ्योरीटे दे था ठीक अच्छे। बी एस सी पी एल थ्योरी से भाया जो साइंटिस्ट गिल्सपे और नेलम थे से कौन कले कि एजम्पसन करते एजम्पसन कले गोटे मॉलिक्यूल ज्योमेट्री और सेप दबापाई तार जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ आम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहूँ से रेस्पॉन्सिबल ठीक अच्छे। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आटम ऑफ द मॉलिक्यूल से रेस्पॉन्सिबल। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भितर दुईटा जाऊँच बहुत बॉन्ड पेयर भी जाऊँचे एंड लोन पेयर भी जाऊँचे। तो बेसिकली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ ए सेंट्रल आटमटा रेस्पॉन्सिबल गोटे सेप आउ ज्योमेट्री गोटे मॉलिक्यूल सेप आउ ज्योमेट्री डिसाइड करिवारे ठीक अच्छे। से किपर रेस्पॉन्सिबल से एमती रहा दरकार जहाँ भितर जहाँफल भितर मिनिमम रिपल्सन होता दरकार। मिनिमम रिपल्सन केत जो मैक्सिमम डिस्टेंस रे ठीक अच्छे। तो माननीय गोटे ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल ए तीन टा एम केमी रहा दरकार जहाँफल से मैक्सिमम डिस्टेंस रे तीन टाइम जब आम लिनियरली रखिदा तो मैक्सिमम डिस्टेंस रोचे तेनाली मिनिमम रिपल्सन हम ठीक अच्छे। तो भेस्पर थ्योरी रो मेन कनसेप्ट से भेस्पर थ्योरी रो मेन कनसेप्ट है जो वैलेंस मैंने आटम गुड़ा एमती सजे रेक भितर मैक्सिमम गैप रहा मिनिमम रिपल्सन हम ठीक अच्छे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। कहीं लोन पेयर रिपल्सनटा सबुठ अधिक देख लोन पेयर मैंने मान एनएच थ्री ठीक अच्छे। लोन पेयरटा मैंने कौन गोटे न्यूक्लियस से रोचे गोटे न्यूक्लियस को कनसीडर करके रोचे ठीक अच्छे। बॉन्ड पेयर मैंने कौन हो बॉन्ड पेयर मैंने दुईटा न्यूक्लियस सहित सेयार हो जाती लोन पेयर रिपल्सन जेहतु से गोटे न्यूक्लियस पाखे रोचे तेनालीर रिपल्सनटा अधिका कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन ठीक अच्छे। तापर जीवा देख तुम कही कमी आम सेप मैंने स्ट्रक्चर ज्योमेट्री और सेप और हाइब्रिडाइजेशन एक सहित डिटरमाइन करवा ये टेबुल मन रखा किसी दरकार ना ये टेबुल सब बही भी मिल जाव ठीक अच्छे। कौन आम एक गोटी गोटी कर देखा ठीक अच्छे। डिफरेंट टाइप रहा कमी स्ट्रक्चर होप हो ठीक अच्छे। मुझे बुझे दे आराम से मॉलिक्यूल देखिकी स्ट्रक्चर बाहर कर ठीक अच्छे। फास्ट देखा ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल फास्ट देखा ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल आम के जाना ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल कौनटा ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल बोली ठीक है। ताप कौन कर फास्ट तो गोटे एग्जांपल दूसरी बी एफ टू ठीक अच्छे। बेरिलियम देख बेरिलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टू कारण देख ये कौन ये हूँ अल्कली मेटल सेकेंड ग्रुप एलिमेंट ठीक अच्छे। आउटरमोस्ट टू तापर कौन कहते हैं फर्मूला कौन हाइब्रिडाइजेशन बाहर करने हाइब्रिडाइजेशन फास्ट हाइब्रिडाइजेशन बाहर करा सेप साइ देन स्ट्रक्चर बाहर करा ठीक अच्छे। हाइब्रिडाइजेशन फर्मूला कौन कहते हैं हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो वैलेंस माइनस कैटायन प्लस एनायन ठीक अच्छे। फास्ट हाइब्रिडाइजेशन बाहर करा बी एफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टू न जापार वन एस टू टू एस टू हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर फोर तो वन एस टू टू एस टू ठीक अच्छे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टू तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू मोनो वैलेंस कहते मोनो वैलेंस कौन हाइड्रोजन और हैलोजन मोनो वैलेंस के दुईटा कैटायन किसी अच्छे कि चार्ज ना एनायन भी किसी ना जीरो कतला हाफ इंटू फोर कतला टू ठीक अच्छे। कहते यार जो भैया हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू टू आसना ये कौन हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन ठीक अच्छे। तापर देखा यहाँ भेस्पतिर कौन कैटेगोरी आस एटी लोन तापर सेकंड फास्ट हाइब्रिडाइजेशन काटते तापर सेकंड पार्ट देखिए ये लोन पेयर अच्छे कि ना लोन पेयर अच्छे कि ना जानापी तुमको कहते यही भैल्यूटा बाहर हाइब्रिडाइजेशन जो यही फर्मूला पर जो भैल्यूटा बाहर ये टू बाहर ना एम सराउंडिंग आटम को माइनस करदे जो मॉलिक्यूल बाहर कर बी एफ टू ठीक अच्छे। ये मॉलिक्यूल आम बाहर करे यार हाइब्रिडाइजेशन इसको आम स्टेरिक नंबर भी कहींपर एस्टेरिक नंबर भैल्यू कितने भाला टू भाला से आम कौन करा सराउंडिंग आइटमटा माइनस करदे ये सराउंडिंग आइटम के दुईटा टू करदे जीरो जीरो ये भैल्यू जिते आसा लोन पेयर अच्छे ठीक अच्छे। तो ये जीरो आसला मैंने कौन लोन पेयर ना तो ये कौन है टू बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर तो से कौन स्ट्रक्चर हे टू बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर है स्ट्रक्चर हे लिनियर लिनियर ठीक अच्छे। कारण देख बी एफ टू मुझे कही मैक्सिमम डिस्टेंस रही मैक्सिमम डिस्टेंस केवल लिनियर हिं रही सब मैक्सिमम डिस्टेंस रहीपर से ठीक अच्छे। तो जिते बड़े
टू बंड पेयर आउ जीरो लोन पेयर टाइप रो मॉलिक्यूल आसे सेते बेले कोन हम स्ट्रक्चर लिनियर हो बुझिबालो। तापर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट टाइप की जीवा ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल्स माने थ्री बंड पेयर जीरो लोन पेयर। तो थ्री बंड पेयर तीन टा बंड के मैक्सिमम डिस्टेंस केते रहे जते से माने 120 डिग्री रे रहिबे बी बी बी। तो एको हम ए शेप टा कोन कहया ट्राइगोनल ना ट्राइगोनल प्लानर ट्राइगोनल प्लानर ठीक अच्छे। तो जो ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल मैंने थ्री बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर रहा ट्राइगोनल प्लानर मॉलिक्यूल। तो गोटे एग्जांपल देखिया धरी नियो बी सी एल थ्री ठीक अच्छे। तो यार हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट बाहर कर हाइब्रिडाइजेशन हाफ बोरन लगे भैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन ठीक अच्छे। तुम यह मन रख देख मान मान जो पी ब्लॉक रो 13th ग्रुप 14th 15th 16th 17th 18th ग्रुप ठीक अच्छे। एटा है पी ब्लॉक रो जनरली एस आउ पी ब्लॉक एलिमेंट आसी था ठीक अच्छे। एस ब्लॉक रो 1 आउ 2 फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। तो ग्रुप 1 रे रहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ग्रुप 2 रे रहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ठीक अच्छे। तब ग्रुप 13th रे रहले वैलेंस सब 10 माइनस कर दो ग्रुप 13th रो 3 ग्रुप 14th रो 4 ग्रुप 15th रो 5 ग्रुप 16th रो 6 ग्रुप 17th रो 7 ग्रुप 18th रो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे। तो बोरनटा कौन बोरनटा ग्रुप 13th रो। तो या मन जदि न रखे 13th ग्रुप बड़ आलू गला इंडिया रु थाईलैंड थालियो ठीक अच्छे। काशी गए संत ठीक अच्छे। देन 14th ग्रुप रो काशी गए संत प्रभु ठीक अच्छे। तार 15th ग्रुप रो नाचे प्यारे आज सब बैठ के नाचे प्यारे आज सब बैठ के ठीक है। देन ऑक्सीजन पे मिल लो उससे उससे ठीक है उससे टेरिस पे मिले ठीक है उससे टेरिस पे मिले याद रखना करे उससे टेरिस पे मिले ठीक है। देन 17th का याद रखना ना क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। 13th का क्या बड़ वाला गला इंडिया रो थाईलैंड 14th रो काशी गए संत प्रभु 15th रो नाचे पियारे आज सब बैठ के 16th रो उससे टेरिस पे मिले। देन 17th रो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 18th रो हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडॉन ठीक अच्छे। जोटा जो ग्रुप रो आसो मैंने 13th ग्रुप रो आसला 10 माइनस कर दे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 14th रो आसला 10 माइनस कर दियो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 15th रो आसला 10 माइनस कर दियो 5 ठीक अच्छे। एमती पहले आम देखा ये बोरॉन कौन फैमिली अच्छे 13th फैमिली अच्छे। तो यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं 3 तो हाइब्रिडाइजेशन हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस मोनो वैलेंस कहते 3 माइनस कैटायन नहीं एनायन भी नहीं तो कहते हाफ इंटू 6 3 है एसपी 2 ठीक अच्छे। तापर आम कहिया नंबर ऑफ लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर पर कौन कही जी बाहर वैल्यूटा बी सी एल थ्री नंबर ऑफ लोन पेयर के नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू कौन कही जो हाइब्रिडाइजेशन जी वैल्यूटा आसाला के थ्री आसाला 3 माइनस सराउंडिंग आइटम होते 3 0 तो ये भी लोन पेयर ना तो कौन हो कौन टाइप जा 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ए बी थ्री टाइप जाऊँच। तो ताल कौन कही 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर जो स्ट्रक्चर कौन हम ट्राइगोनल प्लानर तो कौन हम ठीक अच्छे। तापर जामें नेक्स्ट कैटेगोरी नेक्स्ट कैटेगोरी कौन ए बी टू एल टाइप ए बी टू एल टाइप मान टू बॉन्ड पेयर आउ वन लोन पेयर ठीक अच्छे। टू बॉन्ड पेयर आउ वन लोन पेयर जिते रत सेपटा कमी हो देख तुमको ए बी थ्री टाइप मत जो थ्री बॉन्ड पेयर रोला से स्ट्रक्चरटा कमी ट्राइगोनल प्लानर ठीक अच्छे। थ्री बॉन्ड पेयर जगह कौन है टू बॉन्ड पेयर और गोटे बॉन्ड पेयर उठी जाए लोन पेयर हो गला ठीक अच्छे। तो सीटा काटिदबा आम
ଦେଖ ତ ଏବେ କ'ଣ ଗଲା, ଏବେ ଏତିକି ରହିଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ସେପ୍ ଆସୁଛି, ବି ସେପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଟୁ ୱାନ୍ ପେୟାର୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ପେୟାର୍ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଭି ସେପ୍ ଆସିବ, ଯିବା ହେଲା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଦେବା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଟୁ, ଏହାର ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ୍ କେତେ ଆସିବ, ଫଟାଫଟ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ୍ କେତେ ଆସିବ, ହାଫ୍ ଏସେନ୍ର ବାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଫୋର୍, କାର୍ବନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯାଉଛି, ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତ ଏସେନ୍ସିଏଲ୍, ଏସେନ୍ସିଏଲ୍ ଟୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ହାଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ କେତେ, ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତ କେତେ ହେଉଛି ଥ୍ରୀ, ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି ଥ୍ରୀ। ତ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଲୋନ୍ ପେୟାର କେତେ, ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ତ ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ଟୁ ବଣ୍ଡ ପେୟାର ୱାନ୍ ଲୋନ୍ ପେୟାର, ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ହେବ, ଭି ସେପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କାଟାଗୋରିକୁ, ଏ ବି ଫୋର୍ ଟାଇପ୍, ଏ ବି ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ବି ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ ମାନେ ଫୋର୍ ବୋଲ୍ଡ ପେୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାରିଟା କେତେବେଳେ ରହିବ, ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବି ଫୋର୍ ଟାଇପ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଫୋର୍ ବଣ୍ଡ ପେୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କାଟିଦେବା, ମାନେ ଏକ ଦେବା ଥ୍ରୀ ବଣ୍ଡ ପେୟାର ୱାନ୍ ଲୋନ୍ ପେୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ରୀ ବଣ୍ଡ ପେୟାର ୱାନ୍ ଲୋନ୍ ପେୟାର ମାନେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ପେୟାର କାଟିଦିଅ, ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ସେପ୍ଟା, ଏ ସେପ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା, ପିରାମିଡ଼ାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଥ୍ରୀ ବଣ୍ଡ ପେୟାର ୱାନ୍ ଲୋନ୍ ପେୟାର, ତ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଏ ବି ଥ୍ରୀ ଏଲ୍ ଟାଇପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଲଗାଇଦେବା, ମାନେ ଟୁ ବଣ୍ଡ ପେୟାର ଆଉ ଟୁ ଲୋନ୍ ପେୟାର କରିଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କାଟିଦେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଭି ସେପ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭି ସେପ୍ କହିପାରିବା ବା ଆଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ ବି କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ ବି କହିପାରିବା, ଏଇଟା କେତେବେଳେ କେସ ଆସିବ, ଟୁ ବଣ୍ଡ ପେୟାର ଟୁ ଲୋନ୍ ପେୟାର, ମାନେ ଏ ବି ଟୁ ଏଲ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଏ ବି ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା, ତିନିଟା କରିଦେବା, ଏ ବି ଥ୍ରୀ ଏଲ୍ ଟାଇପ୍, ଏ ବି ଟୁ ଏଲ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ସି ଏଚ୍ ଫୋର୍, ଏଇଟା ଏନ୍ ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ, ଇଏ ଏଚ୍ ଟୁ, ଏବେ କେମିତି ହେବ, ସି ଏଚ୍ ଫୋର୍ର କ'ଣ, କାର୍ବନ୍ର ଚାରି ହାଫ୍, ଡିଟେଲ୍ସ ଫର୍ମୁଲାରେ ଯାଉନାହିଁ, ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ଚାରି କେତେ ହେଲା, ଚାରି ଚାରି ହେଲେ ଏସ୍ ପି ଥ୍ରୀ ଲୋନ୍ ପେୟାର କେତେ, ଚାରି ମାଇନସ୍ ଚାରି ଜିରୋ, ତ ଜିରୋ ଲୋନ୍ ହେଲା ନା, ଜିରୋ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଆଉ ଫୋର୍ ବଣ୍ଡ ପେୟାର, ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ହେଲା, ଟେଟ୍ରା ହେଡ୍ରାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ, ଏନ୍ ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ହାଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କେତେ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଠ ଚାରି ନଅ, ଚାରି ହେଲେ ଏସ୍ ପି ଥ୍ରୀ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ୍, ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଲୋନ୍ ପେୟାର କେତେ ହେବ, ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଚାରି ମାଇନସ୍ ତିନି ୱାନ୍, ତ ଥ୍ରୀ ବଣ୍ଡ ପେୟାର ୱାନ୍ ଲୋନ୍ ପେୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ହେଲା, ପିରାମିଡ଼ାଲ, ନହେଲେ ଏଚ୍ ଟୁ, ଏଚ୍ ଟୁର କେତେ ହେବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବାଲାନ୍ସ ହେଲା ନା ସିକ୍ସ, ସିକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ହେଲା ଏସ୍ ପି ଥ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋନ୍ ପେୟାର କେତେ ହେବ, ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଟୁ ଲୋନ୍ ପେୟାର, ତ ଟୁ ବଣ୍ଡ ପେୟାର ଟୁ ଲୋନ୍ ପେୟାର, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଭି ସେପ୍, ଭି ସେପ୍ ବା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେପ୍ ଏହାକୁ କହିପାରିବା, ଭି ସେପ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେପ୍ ଅର୍ ଆଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କାଟାଗୋରିକୁ, ଦେଖ ଏ ବି ଫାଇଭ, ଏ ବି ଫୋର୍ ଏଲ୍, ଏ ବି ଥ୍ରୀ ଏଲ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଏ ବି ଟୁ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବି ଫାଇଭ ମାନେ ଫାଇଭ୍ ବଣ୍ଡ ପେୟାର, ଫାଇଭ୍ ବଣ୍ଡ ପେୟାର ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ହେବ, ଟ୍ରାଇଗୁନାଲ୍ ବାଇ ପିରାମିଡ଼ାଲ ଜିଓମେଟ୍ରି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କେମିତି, ଏ ହେଲା ଟ୍ରାଇଗୁନାଲ୍ ବାଇ ପିରାମିଡ଼ାଲ ଜିଓମେଟ୍ରି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଇଭ୍ ବଣ୍ଡ ପେୟାର ଜିରୋ ଲୋନ୍ ପେୟାର, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏହାର କ'ଣ, ପି ଏଫ୍ ଫାଇଭ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫସ୍ଫରସ୍ ପାଞ୍ଚ,
ए पाँच दस कत फाइव फाइव है एस पी थ्री डी ठीक अच्छे एट लोन पेयर के लोन पेयर के जीरो ठीक अच्छे तुम सब केमी जानवे केमी जान वैल्यूटा आगे जो भी मॉलिक्यूल दे थो आगे ये फॉर्मूला पक हाफ भि प्लस एम माइनस सी प्लस ए ठीक अच्छे यहीटा जो भैल जी भैल्यू आसला मान लो फाइव आसला तेल ये ए बी फाइव कैटेगोरी आसीगला ठीक अच्छे देख ना तापर लोन पेयर बाहर करदेव जो ए बी फाइव कैटेगोरी गोटे गोटे मानते ए बी फोर एल कौन गोटे बॉन्ड पेयर को आम लोन पेयर रिप्लेस कले जदि दुईटा बॉन्ड पेयर को लोन पेयर रिप्लेस करा कौन ए बी थ्री एल टू से तीनटा बॉन्ड पेयर को रिप्लेस कले ए बी थ्री ए बी टू एल थ्री ठीक अच्छे तो फास्ट जानगल आम एट फाइव आसीगला मानते ए बी फाइव कैटेगोरी आसीगला तापर देखीद लोन पेयर के मान्य लोन पेयर ना तो सीम्पल हो गला टी बी पी जो मेटे ठीक अच्छे मान लो गोटे लोन पेयर आसीगला तेल सेकेंड केस को पलवा सेकेंड केस कौन हम गोटे ई गोटे लोन पेयर आसीगला तो कौन हम इरेगुलर टेट्राहेड्रल काटिद ये है इरेगुलर टेट्राहेड्रल टाइप जो मेट ए बी फोर एल टाइप ठीक अच्छे इरेगुलर टेट्राहेड्रल टाइप आसीगला तापर देखा दीटा लोन पेयर आसीगला दीटा लोन पेयर आसीगला मान आम जेनेल सरी ए दुटा को काटिदे तो ये कौन है टी सेफ हो गला ना ए बी 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 ठीक अच्छे टी सेफ हो गला पुणी जब तीन टा लोन पेयर आसा आउ गोटे काटिद ताले ये कौन हो भि सेफ हो तुम भाव कहीं आम तो ये तीन टा अच्छे तो आम आपको स्ट्रेट लाइन मैंने लिनियर सेप करदेना ये जो लोन पेयर रहा भाई रिपल्सन हो जहाँफल ये स्ट्रक्चरटा भि सेफ हम तो बुझेल फास्ट तुम ए फॉर्मूला पकाओ जी भी मॉलिक्यूल देख आगे यही फॉर्मूला पकाओ कौन कैटेगोरी आसू देखापी जदि फोर कैटेगोरी आसला तो टेट्राहेड्रल कैटेगोरी आसू ठीक अच्छे फास्ट बाय हेलो टेट्राहेड्रल कैटेगोरी आसपर देख लोन पेयर के मान गोटे लोन पेयर अच्छे टेट्राहेड्रल कौन एमती किसी मन रखा दरकार ना खाली गोटे फॉर्मूला मन रख निजे बाहर कर दे पार फोर आसला टेट्राहेड्रल फोर आसला मैंने टेट्राहेड्रल कैटेगोरी ठीक अच्छे गोटे लोन पेयर अच्छे तो गोटे बॉन्ड को काटिद ना बुझिपाल एवं कौन है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर आसीगला ना तापर पुणी दुईटा लोन पेयर अच्छे आउ गोटे काटि दि भि हिसाब आसीगला बुझिपाल सिमिलरली फास्ट ए बी फाइव टाइप ए बी फाइव टाइप आसा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल फास्ट फाइव है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल से जो लोन पेयर अच्छे जिते लोन पेयर थी गोटे गोटे बॉन्ड पेयर को सिमिलरली काटि काटि चल ठीक अच्छे नेक्स्ट केस है ए बी सिक्स टाइप ए बी सिक्स टाइप कौन ऑक्टाहेड्रल छटा मॉलिक्यूल कौन ऑक्टाहेड्रल रे रहइबो ठीक अच्छे एमती ए बी सिक्स टाइप मॉलिक्यूल यार भी कते आसीबो स्टेरिक नंबरटा जो ए वैल्यूटा हाफ भि प्लस एम माइनस सी प्लस एफ ठीक प्लस ए यार वैल्यूटा सिक्स आसीबो तो सिक्स आसला मैंने ऑक्टाहेड्रल कैटेगोरी देखने लगे ठीक अच्छे तापर लोन पेयर बार जब किसी लोन पेयर ना तो ऑक्टाहेड्रल जब गोटे लोन पेयर अच्छे तो गोटे काटिद यहाँ जो स्क्वायर स्क्वायर प्लानर टाइप स्क्वायर प्लानर सॉरी स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर है पुणी पिरामिड टाइप रोचे ना तो स्क्वायर पिरामिडल ठीक अच्छे जब दुईटा है दुईटा काटिज दुईटा काटी कौन हो दुईटा काटने आमती रहा ये कौन है ये स्क्वायर प्लानर हो ठीक अच्छे तो बुझेल सिक्स आसपुर सेवेन आसे पेंटागोनल बाय पिरामिडल सेवेन आस पेंटागोनल बाय पिरामिडल या तुम आसवा आसेनी तो फास्ट है तो जदि देख कहीदे स्टेरिक नंबर टू आसला ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल ठीक अच्छे थ्री आसे ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल फोर आसे ए बी फोर टाइप मॉलिक्यूल फाइव आसे ए बी फाइव टाइप मॉलिक्यूल सिक्स आसे ए बी सिक्स टाइप मॉलिक्यूल सेवेन आसे ए बी सेवेन टाइप मॉलिक्यूल फास्ट पाइल यार स्ट्रक्चर कौन लिनियर ठीक अच्छे यार स्ट्रक्चर कौन ट्राइगोनल प्लानर टी सॉर्ट में लिख देता हूँ ठीक ए बी फोर कहते टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल यार कौन टी बी पी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल यार कौन ऑक्टाहेड्रल यार कौन पेंटागोनल बाय पिरामिडल ठीक अच्छे तो यहाँ तार रेगुलर जो मैट ठीक अच्छे तापर देख काउंट कर जितेटा लोन पेयर गोटे गोटे बॉन्ड पेयर को काटि काटि चलो ठीक अच्छे यार आउ गोटे यार आउ गोटे टाइप कौन जब गोटे लोन पेयर आसो तो भि सेफ ठीक अच्छे यार तीनटा टाइप गोटे हूँ ट्राइगोनल
गोटे हूँ पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल आम पिरामिडल कह गोटे हूँ भि सेप सरी दुटा टाइप भि सेप आंगुलर सेप कह यार से भाई कौन आस गोटे आस सेप गोटे आस आंगुलर आ गोटे आस इरेगुलर टेट्राहेड्रल बुझिपाल एमती बाहर कर फास्ट आखि बुझे तुम स्टेरिंग नंबर टा बाहर करदेव तापर कौन कैटेगरी तुमको जना पड़ो तापर लोन पेयर बाहर करदेव ठीक अच्छे गला तापर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड्स हाइड्रोजन आटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ठीक अच्छे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कहला धरिनि आम एच एफ मॉलिक्यूल मैं एच एफ एच गोटे एच एफ पूरा बकेट नफा ठीक अच्छे या भितर एटा मैंने आम एच एफ मॉलिक्यूल कह या भितर बहुत गुड़ा एच एफ एमती अच्छा ठीक अच्छे जेहेतु यहाँ भितर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रोचे तो कौन हम हाइड्रोजन टा लेस इलेक्ट्रो ये डेल्टा पॉजिटिव पाइब फ्लोरीन टा डेल्टा नेगेटिव पाइब तेणु आउ गोटे जो फ्लोरीन थी सी भी कौन हम डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव तेना ये पॉजिटिव नेगेटिव भितर जो इंटरेक्शन टाइटा को आम कह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भावनी जो खाली एच एफ दीजिए यहीटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए हाइड्रोजन फ्लोरीन नुहे हाइड्रोजन मैंने एच एफ मॉलिक्यूल भितर जो बहुत गुड़ा मॉलिक्यूल था भितर जो बॉन्डिंग जमी वाटर गोटे मैंने गोटे मैंने गोटे बकेट वाटर ना भितर कौन गोटे एच टू मॉलिक्यूल अच्छे कि ना बहुत गुड़ा एच टू अच्छा ठीक अच्छे तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत अधिका रोचे तेनाली डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव सिमिलरली आउ गोटे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन हो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव तो यहाँ भितर जो बॉन्डटा ये जो अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन टाइप ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ठीक अच्छे एटा को आम कह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये टू टाइप गोटे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर आ गोटे हूँ इंट्रामोलिकुलर एगुड़ा जो देखु एगुड़ा इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर जो मान लो ये ओइच अच्छी आम रखा सी ओ ओइच ठीक अच्छे एटा को आम कह इंट्रामोलिकुलर विद इन द मॉलिक्यूल ठीक अच्छे तो हाइड्रो देख तो मैंने समस्ते जान थो आइसटा को आम व्टर पसे पकेले से भासे कहीं भासे व्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइसर स्ट्रक्चर टा कौन जाए केज लाइक स्ट्रक्चर मैंने गुंफा भाया ठीक अच्छे एमती स्ट्रक्चर हो जाए जहाँफल ये जो फांका स्थान रही जाए जहाँफल तर डेनसीटा कम हो जाए तेनाली आइसटा कहीं भाषे जब गोटे वर्डर ताको कह ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक अच्छे तापर लास्ट ये था मेटालिक बॉन्डिंग ए बॉन्ड दैट होल्ड्स मेटल आटम फार्मिंग टुगेदर ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग ठीक अच्छे तो ये तुम सिलेबस सरला तापर एबे देखिया किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक अच्छे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एसपी एसपी टू एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आटम तुमको जो पढ़ोनि कही आसे हाइब्रिडेशन ना परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर जिते अधिका हे साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के सेते अधिका हे तो एसपी रे कौन पी ये के फिफ्टी फिफ्टी ठीक अच्छे एसपी टू रे कौन ये 33.33 नियर अबाउट 67% ये हो एसपी थ्री रे कौन ये 25% पी कैरेक्टर 75% तो अधिका कौन हो एसपी थ्री रोचे पी कैरेक्टर जिते अधिक हम साइज ऑफ हाइब्रिड प्लस से अधिका हम एसपी थ्री एसपी टू एसपी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ भी आगे कही आसली एवं आइस फ्लोट्स इन वाटर दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तापर देखिए यहाँ देखो दि डी ऑर्बिटल दैट पार्टिसिपेट इन डी एसपी थ्री यहाँ भी कही आसा हाइब्रिडाइजेशन नोट्स में लिखी डी एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन बेले कौन ऑर्बिटल पड़े डी डी जेड स्क्वायर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तापर देखिए अकॉर्डिंग टू वीएसईपीआर थ्योरी द शेप ऑफ द जेनन टेट्राफ्लोराइड ठीक अच्छे जेनन कौन जेनन 18th ग्रुप आउटर मोस्ट केतटा आठटा इलेक्ट्रॉन 8 + 12 माइनस जीरो प्लस जीरो ठीक अच्छे के 12/2 6 हेले कही 6 हेले कौन है ऑक्टाहेड्रल कैटेगरी ए बी 6 टाइप मॉलिक्यूल ठीक अच्छे तो आसला कौन ऑक्टाहेड्रल कैटेगरी तापर देखा नंबर ऑफ लोन पेयर के 6 - 4 2 तो 4 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर
ऑक्टाहेड्रल तुमको कौन कहते देख ए बी सिक्स टाइप मॉलिक्यूल एटा है ऑक्टाहेड्रल ठीक अच्छे तार दीटा दीटा लोन सॉरी फोर बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर दीटा लोन पेयर दीटा बॉन्ड को काटे था ये कौन है स्क्वायर प्लानर ठीक अच्छे बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तब देखिए अमंग द फॉलोइंग स्पेसीज एच थ्री ओ प्लस एन एच थ्री प्लस बी एच टू बी सी एल थ्री द सेंट्रल आइटम ऑफ दैट अंडर गो एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन ठीक अच्छे आम तो एन एच थ्री बाहर करे कौन एसपी थ्री होता बी एच टू रत हो एसपी टू प्लस टू बाय टू टू एसपी होता ठीक अच्छे बी सी एल थ्री कौन होता थ्री प्लस थ्री डिवाइड बाय टू के थ्री एसपी टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तापर देखिए एमंग द फॉलोइंग कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग मोर पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स तो मोर पोलर कैरेक्टर पर तुमको कौन कहते फाजांस रूल कौन कही एटी देख ये सबुर काटायन ये कौन जब एच प्लस आई माइनस कर काटायन तो सबुर एच प्लस अच्छे बाकी अच्छे आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन आउ फ्लोरीन ठीक अच्छे आनायन तो मुझे कही कौन आनायन साइज जिते इनक्रीज कर पोलराइजेशन से इनक्रीज कर तो कोवेलेंट कैरेक्टर से अधिक हे ठीक अच्छे तो आनायन साइज कौन आयोडीन यहाँ देन ब्रोमीन देन क्लोरीन देन फ्लोरीन तो आनायन आयोडीन सब सैज बढ़ो तो एच आई सब अधिक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन आउ गोटे देखिए अकॉर्डिंग टू बीएसपीआर थ्योरी एसएफ सिक्स सल्फर ऑक्सीजन फैमिली सिक्स सिक्स प्लस सिक्स बाय टू सिक्स सिक्स है ए बी सिक्स टाइप मॉलिक्यूल ए बी सिक्स टाइप मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल ठीक अच्छे लोन पेयर देखिए सिक्स माइनस सिक्स जीरो जीरो लोन पेयर ताल ऑक्टाहेड्रल रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ठीक अच्छे तो आज ये तो दुईटा आम चैप्टर सारीदे तो पीरियडिक टेबल पीरियडिक क्लासिफिकेशन आउ केमिकल बॉन्डिंग ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास में आम देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर।